नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राम जी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल और आपका पसंदीदा कार्यक्रम किताबों की दुनिया लेकर मैं फिर हाजिर हूं। मित्रों, आज मैं जिस किताब की बात करना चाहता हूं वो उसको लिखने वाली अभी 5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले उनका निधन हुआ है। जी हाँ, मैं मन्नू भंडारी की बात कर रहा हूँ और उनकी किताब आपका बंटी, उनका प्रसिद्ध उपन्यास जिस पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आपका बंटी पे चर्चा करें इससे पहले कुछ मन्नू जी से संबंधित बातें हो जाएं। मन्नू भंडारी लगभग 1931 में उनका जन्म हुआ था और 90 साल की उम्र उन्होंने पाई। वे कई एक चीज़ों की वजह से चर्चित रहीं। अव्वल तो अपनी कहानियों की वजह से, और जिसमें आप देखें तो यही सच है जो उनकी कहानी थी उस पर फिल्म भी बनी थी, रजनीगंधा। और इसके अलावा जो मुख्य रूप से जब वो चर्चा में आई तो कहानियों की वजह से, जैसा मैं बता रहा था, उसके बाद अपने उपन्यासों की वजह से, अपने वैचारिक लेखन की वजह से और अपने संबंधों की वजह से भी। हम सब जानते हैं कि वे राजेंद्र यादव, जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे और बाद में हंस का संपादन भी उन्होंने किया एक लंबे समय तक, उनकी वो पत्नी थी और उन दोनों लोगों ने प्रेम विवाह किया था। हालांकि बाद में उनके संबंध उतने अच्छे नहीं रहे और वो दोनों लोग बाद के समय में लगभग अलग अलग ही रहे, लेकिन उसमें जो वैचारिक रूप से एक दूसरे पे आक्रमण प्रत्याक्रमण हुआ या कहें तो बहस हुई, उस चीज़ ने भी मन्नू भंडारी को काफ़ी चर्चित किया, काफ़ी चर्चित रखा। खास करके जब आप देखें तो हंस का एक उत्कर्ष का दौर था और राजेंद्र यादव वैचारिक रूप से काफ़ी समृद्ध लेखन कर रहे थे, तो उन्होंने जब अपनी आत्मकथा लिखी मुड़ मुड़ के देखता हूँ मैं, तो मन्नू भंडारी का भी, चूँकि जाहिर सी बात है जब उनकी आत्मकथा थी तो उसमें जो उनकी पत्नी थी मन्नू, उनका भी जिक्र होना था, तो उसमें बहुत बेबाकी से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दर्ज कराई। हम सब जानते हैं कि वे स्त्री लेखन को लेके किस तरह का दृष्टिकोण राजेंद्र जी का था, तो उसमें उसको काउंटर करने के लिए, और उसके कहें तो एक तरह से जो उन्होंने कहा, जैसा मन्नू जी ने, कि जो इसमें गैप्स हैं उनको भरने के लिए आपने कुछ गैप्स छोड़ दिए हैं, आपने अपनी आत्मकथा में उसमें आपने जो गैप्स छोड़े हैं उसको मैं भरने की कोशिश कर रही हूँ। और उन्होंने उसकी उसके प्रतिउत्तर में वो अपनी आत्मकथा लिखी, एक कहानी यह भी। तो आप देखें कि एक तरह से आप देखें उनका शुरुआत जो होता है उन दोनों लोगों की, राजेंद्र और मन्नू का प्रेम संबंध रहता है, और उसमें वो दौर होता है 50-60 का दशक जिसमें बहुत सारे सपने होते हैं, देश आज़ाद होता है और बहुत सारे सपने होते हैं और वो सपने साहित्य में भी आते हैं, तो उसमें प्रयोग भी बहुत सारे होते हैं। तो उसमें देखिए कि आप 1961 में जब पहला उपन्यास उन्होंने लिखा तो 1 इंच मुस्कान नाम से, और वो उपन्यास एक प्रयोग था जिसमें दोनों लोगों ने उस उपन्यास को लिखा था, एक हिस्सा राजेंद्र ने लिखा था और दूसरा हिस्सा मन्नू जी ने लिखा था। तो उसके बाद महाभोज उनका उपन्यास आया, वो भी बहुत चर्चित रहा। राजनीतिक रूप से जो देश में सब हो रहा था, एक तरह से जो कहिए तो आज़ादी के बाद की जो स्थिति थी और जो मोहभंग भी था भारतीय समाज का, उसका वो चरित्र चित्रण उसमें आप देखने को मिलता है। तो 1 इंच मुस्कान, महाभोज, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसने उनको चर्चित किया जो उनकी कृति, वो रही आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास जो है वो जब छपा ये 70 के आसपास, 71 में, तो आज से 50 साल पहले, तो ये जैसे ही आया आप समझिए कि ये तुरंत हाथों हाथ लिया गया और चर्चित हो गया। आजकल तो ये बहुत सारे कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ये कोर्स में भी पढ़ाया जाता है, बहुत सारे शोध हुए हैं हिंदी और हिंदी के अलावा भारत में जो भाषाएँ हैं और बाहर भी, उसमें इसका अनुवाद भी हुआ है। आपका बंटी पे अब हम लोग बात करते हैं। तो दरअसल आपका बंटी क्या था, एक देखिए तो मन्नू जी का जो पूरा लेखन था, जो भारतीय जो मध्यवर्गीय समाज था और उसमें खास करके जो स्त्री की स्थिति थी उसको लेके, और उसकी जो मनोवैज्ञानिक पक्ष थे उसको लेके मन्नू जी ने अपनी कलम चलाई थी। ये कहें तो भारतीय समाज का एक ऐसा पक्ष जिस पर लोग कम बात करते हैं, उस लेकिन वो है हमारे बीच में मौजूद है, खास करके मध्यवर्गीय मानसिकता में, मध्यवर्गीय परिवारों में,
जबकि उस पर कम बात होती है, लोग उस पर कतराना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। मन्नू जी ने उसी पे अपनी कलम चलाई। इस उपन्यास में क्या है, इस उपन्यास में दो लोग हैं, पति पत्नी, पहले प्रेमी प्रेमिका है, बाद में शादी करते हैं और पति पत्नी होते हैं, और उनको एक बेटा होता है जिसका नाम होता है बंटी। जब कुछ समय तक संबंध अच्छा रहता है, लेकिन एक दशक लगभग बीतते बीतते उन लोगों के संबंधों में कड़वाहट आने लगती है और उसके बाद संबंध जो है वो ख़राब होने लगते हैं। फिर बाद में ये पता चलता है कि अब हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे, तो वे दोनों लोग अलग अलग रहने लगते हैं। जब अलगाव होता है तो अब ये स्थिति आती है कि बंटी जो उनका बेटा है वो किसके साथ रहेगा, और ये सवाल तो बड़ा है। जाहिर सी बात है जो भारतीय समाज में होता है कि वो माँ के साथ ही बेटे का ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और जुड़ाव भी होता है, तो माँ को नेचुरली माँ को ही मिलता है बंटी भी। लेकिन दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि जो पति हैं वो कलकत्ता चले जाते हैं और वहाँ पे जाके वे दूसरे के साथ उनके संबंध विकसित होते हैं, वे दूसरी शादी कर लेते हैं। और इधर इधर जो माँ हैं वो भी टीचर हैं और फिर उनकी भी अपनी जीवन रहता है, प्रिंसिपल हो जाती हैं, तो वो भी एक डॉक्टर साहब से आकर्षित होती हैं और उनकी भी दूसरी शादी हो जाती है। अब जब वो दूसरी शादी हो जाती है और वो जो मदर हैं बंटी के साथ डॉक्टर साहब के घर जाती हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब विधुर रहते हैं और उनके दो बच्चे पहले से रहते हैं। अब वो क्या होता है कि बंटी का जो एडजस्टमेंट होता है घर में वो बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उसके ऊपर जो मानसिक जो प्रभाव पड़ता है, वो बार बार अपने पिता को याद करता है, पिता उससे मिलने भी आते हैं, वो चाहता है कि पिता जो है वो हमको कहें कि हम जाएंगे, वो उसके मन में ये भी चाहता है कि मेरी माँ कहे कि नहीं तुम मत जाना। वो फिर ऐसी स्थिति कुल मिला के बनती है कि वो पिता के साथ, उसकी माँ को ये लगता है कि मैं जब देखभाल नहीं कर पा रही हूँ तो अच्छा है कि इसके पिता ले ही जाना चाहते हैं तो उन्हीं के साथ ये चला जाए। वो पिता ले के चले जाते हैं, बहुत उत्साहित भी होते हैं, लेकिन जब वहाँ पे जाने पे ये पता चलता है कि उनके घर में भी जो बच्चे हैं, जो पहले से उनकी पत्नी के बच्चे रहते हैं, वहाँ पे उसका एडजस्टमेंट फिर से मुश्किल होता है और अंततः बंटी को किसी एक हॉस्टल में दाखिला कराना पड़ता है, वो हॉस्टल में उसको डाल दिया जाता है। आप देखेंगे तो ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो बहुत असामान्य है, लेकिन उन्होंने क्या हुआ कि उस दौर की जो ये नई चीज़ जो विकसित हो रही थी, प्रेम संबंध भी, प्रेम विवाह भी, प्रेम विवाह के बाद टूटन भी, और उसके बाद टूटन के बाद क्या कि बच्चों की परवरिश कौन करेगा और कैसे होगी उनकी परवरिश। माँ बाप दोनों अगर मान लीजिए कि 30 की उम्र में 35 की उम्र में अलग होते हैं तो उनके और भी संबंध हो सकते हैं, वो उनकी अपनी उनका अपना जीवन हो सकता है, लेकिन उनकी परवरिश कैसे होगी। चूँकि ये भारतीय समाज में ये बात तो आ रही थी लेकिन इस पर बात लोग नहीं करते, ये पश्चिम की अवधारणा मानकर इसको लोग खारिज कर देते हैं। आपका बंटी जब उपन्यास आया तो इसने एक तरह से समझिए कि बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे बंटियों को इसने अलग होने से बचाया और बहुत सारे परिवारों में इस बात पे लेके कि अगर झगड़ा भी हो रहा था तो उन्होंने उस झगड़े को किसी तरह से रिकॉन्साइल किया और रिकॉन्साइल करने का प्रयास किया जिससे ऐसी स्थिति ना बने। तो एक तरह से कहिए तो इस उपन्यास ने एक पाथ ब्रेकिंग काम किया। जिस दौर में भारतीय समाज में ये चीज़ें आ रही थी, उस दौर में उस चीज़ को पकड़ना, समझना और उसके लिए स्थितियों को सामने रखना जिसमें एक लोग जो है वो ये सबक ले सकें, देख सकें कि क्या हो सकता है और कैसे उससे निपटा जाए और उसको कैसे अवॉइड किया जाए कि वो परिस्थिति ना आए। तो इस तरह से कुल मिला के समझिए कि मध्य वर्ग जो था, जो मध्य वर्ग का जो जीवन था, उच्च वर्ग का जो जीवन था, उसमें जो दोनों लोग कामकाजी भी थे, जो दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते थे और कई बार स्थितियां ऐसी नहीं बन पा रही थी, तो बच्चों को लेके फिर कैसे हो, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान के साथ ये आया और इसीलिए ये उपन्यास आप देखें तो इतना चर्चित हुआ। आज भी कई विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में इसकी पढ़ाई की जाती है, ये कोर्स में लगा हुआ है। तो ये काम मन्नू भंडारी का बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। अगर आपको पहली फुर्सत में कुछ आप मन्नू भंडारी का पढ़ना चाहते हैं तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। बहुत पतला है, राधा कृष्ण प्रकाशन से यानी राजकमल से छपा है, बहुत मोटा नहीं है, 150-200 पेज, लगभग 200 पेज ये छोटे साइज़ में,
और बड़े साइज़ में 150 पेज में होगा ये। तो आप अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप 1 से 2 दिन में इसे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इतनी अच्छी इसकी कहानी है कि आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। और फिर आप खोजेंगे कि महाभोज भी पढ़ें, 1 इंच मुस्कान भी पढ़ें, उनकी कहानियाँ भी पढ़ें मन्नू भंडारी की, और उनका वैचारिक लेखन, उनकी आत्मकथा 1 कहानी यह भी पढ़ें। और जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको जब आप 1 कहानी यह भी पढ़ेंगे तो आपके मन में आएगा कि फिर हम मुड़ मुड़ के देखता हूँ मैं राजेंद्र यादव को भी पढ़ें, और फिर राजेंद्र यादव को जब आप पढ़ेंगे तो सारा आकाश पे भी जाएंगे, उनके वैचारिक लेखन पे भी जाएंगे। हम लोग किसी दिन ज़रूर सारा आकाश पे बात करेंगे। फिलहाल आज हम लोगों ने आपका बंटी मन्नू भंडारी की किताब पे बात की, और हम लोग इस अवसर पे उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो हम लोगों के बीच से गई हैं। एक भरा पूरा जीवन उन्होंने जिया, 90 साल का जीवन जिया, और बहुत विपुल लेखन किया और बहुत सार्थक लेखन किया। तो उन्हें संकल्प परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि, और फिर अगले हफ्ते आपसे वादा करते हैं कि किसी और किताब पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथ बने रहिए। नमस्कार।